हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, ये है वन लाइनर न्यूज का 6th एपिसोड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहां पर कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, मैं यहां पर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप यहां पर रोजाना ऐसे ही टेक न्यूज चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, पहली न्यूज आ रही है यहाँ पर ब्लैकबेरी की तरफ से कि ब्लैकबेरी ने अपना नया स्मार्टफोन ब्लैकबेरी की 2 लॉन्च कर दिया है यूएसए के अंदर। फोन के अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलने वाला है। फोन में आपको जो है 6GB का रैम मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेगी। एक में मिलेगा आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज जबकि दूसरे में आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। फोन के अगर जो है कैमरा सेटअप की बात की जाए तो पहली बार ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन में आपको जो है डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि यहाँ पर दोनों ही जो कैमरा होने वाले वो 12 मेगापिक्सल के होने वाले जहां से आप जो है 4K वीडियो तक जो है शूट कर सकते हो। और फ्रंट में आपको जो कैमरा प्रोवाइड किया गया है वो 8 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया है जो यहाँ पर जो है फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फोन में आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिलेगा। डुअल 4G का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है और जो बैटरी यहाँ पर मिलने वाली है वो 3500 mAh की मिलेगी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और फोन का जो प्राइस है करीबन 43,000 रुपए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आई फेसबुक की तरफ से कि फेसबुक में एक नया बग यहाँ पर देखने को मिला है कि अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग में रखते हैं, जो पोस्ट आप शेयर करेंगे उनकी प्राइवेसी सेटिंग में आप रखते हैं फ्रेंड्स ओनली, तो अगर आप बाद में कोई भी पोस्ट वहां पर शेयर करते हैं तो वो फ्रेंड्स ओनली में शेयर नहीं होगी, वो पब्लिकली शेयर हो जाती है। तो ये नया बग देखने को मिला है फेसबुक में। वैसे फिलहाल फेसबुक के तरफ से काफी ज्यादा जो डेटा को लेकर भी न्यूज आ रही है कि आपका डेटा भी फेसबुक पर सिक्योर नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कि इंडिया में जो भारत नेट प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत 500,000 नए वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। और ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाने वाले हैं वो ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले हैं ताकि उनका जो कामकाज है वो सही ढंग से हो सके। और इसके लिए आज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक टेंडर निकाला है जिसका जो कॉस्ट बताया जा रहा है वो करीबन 4,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 2018 के लास्ट तक सभी ग्राम पंचायतों में आपको वाईफाई हॉटस्पॉट देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। वो आ रही है यहाँ पर आइडिया की तरफ से कि आइडिया 100 रुपीज का रिचार्ज करने पर आपको दे रहा है 20 रुपीज का कैशबैक। ये कैशबैक आपको तब दिया जाएगा जब आप माई आइडिया ऐप या जो आइडिया की वेबसाइट है वहां से रिचार्ज करते हैं और इस 20 रुपीज वाले कैशबैक का आप यूज कर पाएंगे अपने नेक्स्ट किसी भी 199 या इससे ऊपर के रिचार्ज पर। फ्रेंड्स, अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से कि Xiaomi ने अभी जो इंडिया में MIUI 10 लॉन्च किया था, जो ग्लोबल वर्जन लॉन्च किया था, उसके लिए Xiaomi ने जो बीटा टेस्टर्स हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपके पास में Xiaomi का Mi 6, Mi Mix 2, Mi 2S, Redmi S2, Redmi Note 5 है तो आप इसके लिए फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं और Xiaomi की MIUI 10 के बीटा टेस्टर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली न्यूज यहां पर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से कि अभी तक आपको व्हाट्सएप पर ऐसे काफी ज्यादा मैसेज मिलते होंगे जो कि आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं लेकिन वहां पर कोई टैग वगैरह ऐसा नहीं रहता है कि ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, ओरिजिनल मैसेज है। तो अब व्हाट्सएप का जो बीटा वर्जन है वहां पर एक टेस्टिंग चल रही है कि जो भी मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है उसके नीचे एक लेबल लगाएगा जिसमें लिखा होगा फॉरवर्डेड मैसेज। तो ये काफी अच्छा फीचर यहां पर व्हाट्सएप के द्वारा लाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को लेकर कि इसका फिलहाल एक वीडियो निकल कर आया है और वीडियो में बताया जा रहा है कि इसका जो लुक है, जो डिजाइन है वो सेम वैसा ही रहने वाला है जैसा आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में देखने को मिलता था, यानी कि डिजाइन में कुछ ज्यादा चेंज यहाँ पर सैमसंग के द्वारा नहीं किया गया है इस बार। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग ने अपने 2 नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी J3 और J7 के जो 2018 वेरियंट है वो लॉन्च किए यूएसए के अंदर। फोन के स्पेसिफिकेशंस इतने कुछ खास नहीं लगे हैं मुझे। जो J3 है वहां पर आपको 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा वहां पर आपको मिलेगा जबकि फ्रंट कैमरा जो होने वाला है वो 5 मेगापिक्सल का होगा। एंड्रॉइड नोगट वहां पर आपको देखने को मिलेगा जबकि जो J7 होने वाला है वहां पर आपको जो है 5.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा और यहां पर आपको जो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। फोन के प्राइसिंग के बारे में अभी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकलकर नहीं आया है। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है ओप्पो की तरफ से कि ओप्पो अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड एक्स लॉन्च करने जा रहा है पेरिस में 19 जुलाई को। तो बताया जा रहा है कि इस फोन में आपको 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। अगली खबर आ रही है यहां पर UIDAI की तरफ से कि अब आप जो आपके आधार कार्ड की हिस्ट्री होगी वो उनकी वेबसाइट पर चेक कर पाओगे कि आपने अपना आधार कार्ड कहां पर और किस टाइम यूज किया है और कहां कहां पर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया हुआ है। तो ये काफी अच्छा फीचर फिलहाल आप लोगों को मिलने वाला है जिससे आप अपने आधार कार्ड की डिटेल भी चेक कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।